हेलो क्लास, आज हम हिंदी में 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। 12th चैप्टर आपका है दादी जी को पत्र। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक पत्र है ना, चिट्ठी है ना। उसे किस तरह से लिखा गया, कौन किसको लिखा है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है? दादी जी को पत्र। हमारे प्रियजन भले ही हमसे दूर रहते हों किंतु हमें उनकी याद आती रहती है। हमारे प्रियजन मतलब हमारे सगे संबंधी लोग भले हमसे दूर रहते हों लेकिन हम उन्हें हमेशा याद करते रहते हैं। यह पत्र एक बच्ची ने अपनी दादी को लिखा है, यानी कि उसकी दादी उनसे दूर रहती होगी इसलिए एक बच्ची ने अपनी दादी को पत्र लिखा है ना। पत्र किस तरह से लिखा है देखते हैं। पत्र में पहले हम लोग दिनांक लिखते हैं, यानी डेट लिखते हैं ना। ये पत्र कब का लिखा हुआ है? 5 तारीख, 5वां महीना और 2010 को लिखा गया है ना। जगह का नाम है लखनऊ, ठीक है। पत्र में उसने क्या लिखा? आदरणीय दादी जी, सादर प्रणाम, है ना। जब भी हम किन्हीं को पत्र लिखते हैं तो उन्हें आदर देते हैं, इसलिए उन्हें लिखा गया है आदरणीय, है ना। आदरणीय दादी जी सादर प्रणाम, है ना, उनको प्रणाम करते हुए बोलती है। हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं। कुशल पूर्वक मतलब अच्छे हैं, है ना, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हम अच्छे से रह रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल होंगी। और क्या आशा करती है बच्ची? कि उसकी दादी भी कुशल से होंगी। दादी जी, जब से मैं इस शहर में आई हूँ मुझे आपकी बहुत याद आती है, है ना। वो पत्र में क्या लिखती है कि दादी जी, जब से मैं इस शहर में आई हूँ मुझे आपकी बहुत याद आती है ना। यानी कि वो बच्ची अपनी दादी को बहुत याद करती है। नए घर में भी मन नहीं लगता। बच्ची एक नए घर में रहती है, वहां पर उसको मन नहीं लगता। आपके पास थी तो कितना अच्छा लगता था। जब बच्ची अपनी दादी के पास थी तो उसको बहुत अच्छा लगता था, दादी के साथ रहना उसको अच्छा लगता था। अब नए घर में वो रहती है इसलिए दादी से दूर हो गई है। आपसे ढेर सारी बातें कर सकती थी। जब बच्ची अपनी दादी के साथ रहती तो उसके साथ वो ढेर सारी बातें कर सकती थी। काश पिताजी की नौकरी का तबादला नहीं होता तो मैं आज भी आपके ही पास होती। अगर पिताजी की नौकरी का तबादला मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में उनका तबादला हो गया, है ना, मतलब उसकी नौकरी दूसरे जगह हो गई इसीलिए उसको दादी को छोड़कर जाना पड़ा, है ना। खैर छोड़िए, मैं आपको ऐसी बातें करके उदास नहीं करना चाहती। क्या लिखती है? कि मैं आपको ऐसी बातें करके उदास नहीं करना चाहती कि मैं आपको बहुत याद करती हूँ, इससे क्या होगा, दादी भी उदास हो जाएगी, इसलिए बोलती मैं आपको ऐसी बातें करके उदास नहीं करना चाहती। यहां मैंने विद्यालय जाना शुरू कर दिया है। जहां पर उसके पिताजी का तबादला हुआ वहां पर वो विद्यालय जाना शुरू कर दी। नमिता और सविता मेरी दो सहेलियां भी बन गई है। वो अपनी दादी को बताती है कि नमिता और सविता ये दो सहेलियां हम बना ली हैं विद्यालय में। आपने मुझे जो कहानियां सुनाई थी वे सभी कहानियां मैंने उन्हें सुना दी है। जो कहानी आपने मुझे सुनाई थी ना वो कहानी मैंने अपनी सहेली नमिता और सविता को सुना दी है, वे उन्हें बहुत अच्छी लगी। वे कहानियां दोनों सहेलियों को बहुत अच्छी लगी ये बता रही है। आप अपना ध्यान रखना, अपना चश्मा भी संभाल कर रखना, ठीक है ना। क्या वो लिखती है? कि आप अपना ध्यान रखना, अपना चश्मा भी संभाल कर रखना, है ना। पिछली बार क्या हुआ था? जब वह टूट गया था तो आपको रामायण पढ़ने में कितनी दिक्कत हुई थी। उनकी दादी चश्मा पहनती थी ना, और एक बार वो चश्मा टूट गया था इसलिए वो बताती है कि एक बार आपका चश्मा टूट गया था तो आपको रामायण पढ़ने में कितना दिक्कत हुआ था। जब तक आपका चश्मा नया नहीं बना तब तक मैं ही आपको रामायण पढ़कर सुना देती थी, है ना। जब तक आपका चश्मा नहीं बना था तब तक मैंने ही आपको रामायण पढ़कर सुनाया करती थी, ये लिखती है ना। पर अब तो मैं आपके पास नहीं हूं, इसीलिए वो बताती कि चश्मा को संभाल कर रखना, अगर चश्मा टूट जाएगा तो फिर आपको रामायण पढ़कर कौन सुनाएगा, इसीलिए अपना चश्मा संभाल कर रखना। अब रोजाना धूप भी सेकना, उससे आपके जोड़ों का दर्द ठीक रहता है,
है ना, बोलती है कि रोज आप धूप सेकना, है ना, धूप में क्या होगा, आपके जो जोड़ों का दर्द है वो ठीक हो जाएगा धूप में, साथ ही अपनी सभी जरूरी दवाइयां भी संभाल कर रखना। जो जो दवाई उनकी दादी लेती थी उनको वो कहती है कि उनको आप संभाल कर रखिएगा, है ना। आपके बनाए लड्डू मैं रोज एक खाती हूँ, दादी उनको लड्डू बनाकर दिए है ना, और वो बच्ची रोज एक लड्डू खाती है। माँ पिताजी भी आपको प्रणाम कह रहे हैं, है ना, उसके बेटे, दादी के जो बेटे हुए उसके मम्मी पापा वो भी उसको प्रणाम कर रहे हैं। हम सब आपसे मिलने दिवाली की छुट्टियों में आएंगे, बच्ची दादी से मिलने कब आएगी, तो दिवाली की छुट्टी में आएंगी, है ना। यहां तक उसका पत्र खत्म होता है ना, और वो लिखती है आपकी अपनी गीतांजलि। वो बच्ची का नाम क्या था, गीतांजलि, है ना। इतना कहकर वो पत्र को समाप्त करती है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है एक्सरसाइज, तो वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स करेंगे, ओके।